सो गाइस फाइनली हम लोग जगन्नाथ पुरी पहुंच चुके हैं और जगन्नाथ भगवान के दर्शन भी कर चुके हैं और हम लोग नंदन कानन वन जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये रही मेरी वाइफ, हम लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं। चलिए हम आपको गार्डन दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, ठीक है। तो पूरा ये आपका आप देख पा रहे होंगे खंडगिरी या उदयगिरी, ये आपका देख पा रहे होंगे, ये पर्वत है, ये खंड है। ये आप देख गुफा भी दिखेगा, शैल चित्र भी आपको दिखेगा। इसके बाद हम आपको भालू दिखा रहे हैं, ये आपका नंदन कानन का पहला पार्ट है। इसमें भदो भालू दिख रहा होगा आपको विचरण करते हुए, ठीक है। जैसे कि ये वो दिख रहा होगा भालू विचरण करते हुए, इसी प्रकार जैसे कि हम देख पा रहे होंगे ये भालू है नर और मादा जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे और भालू देख रहे हैं। चलिए नंदनकानन भालू देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए चलिए चलते चलते जा रहे हैं ना, सभी टूरिस्ट में घूमने के लिए आए हुए हैं और देख पा रहे होंगे यहाँ पर भालू विचरण कर रहा है एक और, ठीक। इसके बाद हम आपको और आगे दिखाएंगे सफ़ेद टाइगर, तो बने रहिएगा और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए हम देखेंगे सफ़ेद टाइगर, आपको दिख रहा होगा ये सफ़ेद टाइगर क्या कर रहा है। देखिए घास खा रहा है, क्या कर रहा है, घास खा रहा है, ठीक है। सफ़ेद टाइगर क्या कर रहा है, घास खा रहा है। इसके बाद हम आपको हिरन दिखाएंगे, इसके बाद बारहसिंघा दिखाएंगे, उसके बाद नीलगाय दिखाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग देखते जाइएगा और वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जो हॉस्टल वाले तैयारी कर रहे हैं छात्र शिक्षक का, हम घूमने आए हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो लोग देखने आए हैं देख लिए और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा हिरण, इसके बाद बारहसिंघा, इसके बाद आपको हम दिखाएंगे पूरा जानकारी, इसके बाद पूरा नंदन कानन का पूरा आपको पूरा दिखाएंगे, मोर मयूर है ना, इसके बाद पूरा दिखाएंगे आपको, ठीक है। शुतुरमुर्ग भी दिखाएंगे, पहले आप इसको देखिएगा, ठीक। ये आपको पूरा दिख रहा है हिरण वगैरह, ये सब पूरा आपको दिख पा रहा होगा। अब देखेंगे ये आपका देखिए शुतुरमुर्ग, और इसको देखेंगे फिर मोर, ठीक है। क्या ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या चीज़ है ये, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।